अच्छा हो गया, इतना क्यों मुंह लटका हुआ है? जा तो रहे हम लोग रात में डेट फिक्स करने एंगेजमेंट की, परेशानी कैसी है? सारा आंटी अकेली आई थी। अरे बेटा तू लड़के वाले, हम बारात लेकर हमने वहां जाना है, उन्होंने तो बारात लेकर नहीं आना ना, वो तो अकेली ही आएंगी। इनकार महमूद अंकल ने किया था, ज़ारा आंटी ने नहीं, तो फिर महमूद अंकल को आना चाहिए था। खैर मैं खुद रूम से बात करता हूं। अरे क्या कर रहे हो यार, प्यार में इतने इगोइस्टिक कौन होता है? मैं होता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम मैं हूं। और हुरम, उससे जुड़ा ताल्लुक वो अहम नहीं है? भाई अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये छोटे छोटे मसलों से बड़ा सेफली निकलना पड़ता है। अभी आप हुरम को कॉल करोगे, उससे पूछोगे कि महमूद साहब क्यों नहीं आए, तो नेचुरली वो उसको बुरा लगेगा। वाह कहवे, बड़े समझदार हो गए हो, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब तुमने मेरी तरह सोचना शुरू कर दिया। अरे हारिस यार, लेट इट गो। डॉक्टर महमूद बहुत बिजी इंसान है, नहीं आ सके होंगे, और फिर ज़ारा भाभी और वो अलग थोड़ा है। देखो बेटा ये छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं पड़ जाते, वरना अच्छी भली खुशी परेशानी में बदल जाती है। बहुत अच्छे भाई, समझदारी की बात है। अब गुड, थैंक यू।